दोस्तों आज हम सोल लैंड की आगे की नॉवल को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अगर आपने अभी तक इसकी पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो शुरू होते ही हम सबसे पहले देखते हैं टांग धाओ को, जो कि टैंशन को बताता है कि यह एक्सक्लूसिव कल्टीवेशन टेक्निक इस जनरेशन में केवल एक ही को विरासत में मिल सकती है और इसे सुपर नेटिव कल्टीवेट के बिना नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इस एक्सक्लूसिव कल्टीवेशन टेक्निक को ग्रेट सुमेरु नाम से जाना जाता है। ये सुनकर टैंशन समझ जाता है और कहता है कि ये सब सोल रिंग्स में से है क्या। इस पर टांगहाओ कहता है कि सही है, कुछ हद तक मेरे पावर सोल रिंग्स ली गई है और मेरे स्ट्रेंथ रिकवर होने के बाद अगर मेरे सामने क्वीन डोलू भी आ जाए तो वह भी मुझे नहीं हरा सकता और इसी टेक्निक से मैं गोल्डन क्रोकोडाइल को बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तुम इससे इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो, जिसके साथ ही आगे टांगहाओ बताता है, लेकिन यह एबिलिटी इसको यूज करने वाले को भी बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है और इसको सिर्फ इमरजेंसी टाइमिंग में ही यूज किया जाता है, लेकिन तुम्हें इसे सहन करना होगा। इसके बाद एक बार हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने कहा था, ये एबिलिटी हमारे लिए डिवाइन एबिलिटी के समान है। अब बात को बंद करते हुए टांगहाओ इस टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जैसे ही टांगहाओ इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है तो उसी के साथ ही टेंशन को इसका इफेक्ट महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि टेंशन इस टेक्निक को बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। अगर टेंशन इस टेक्निक को सीख लेता है तो वह बहुत ही आसानी से गोल्डन क्रोकोडाइल और बबीडोम जैसी पावरफुल सोल मास्टर से आसानी से निपट सकता है और उनको बहुत ही आसानी से हरा देगा। अब अगले सीन में हमें जेलिन पास का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम देखते हैं बेबी डॉग को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि हुहन एम्पायर के सभी पावरफुल सोल मास्टर हाउशन सेक्ट के सामने हार चुके होता है, इस वजह से वह काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तभी गोल्डन क्रोकोडाइल उनके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा हुहन हाल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए इतना काफी है, और आगे बताता है क्वीन डोलू भी यहाँ पर आ रहा है। ये सुनते ही बबीडोम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दोस्तों वास्तव में यदि बबीडोम किसी से डरती है तो वह सिर्फ क्वीन डोलू से ही है, और इसी तरह से गोल्डन क्रोकोडाइल बबीडोम को डरा धमकाता रहता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं गोल्डन क्रोकोडाइल को, उसको अभी भी सपने की तरह टांगहाओ का हैमर ही याद आ रहा होता है और अपने मन में सोचने लगता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाउशन सेक्ट को हम हॉल का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर के दोबारा से टियांडो कैंप की तरफ आ जाता है और कैंप के अंदर टेंशन लगातार 3 दिन तक कल्टीवेशन कर रहा होता है। जैसे ही साहू उसे देखती है तो टेंशन की बॉडी किसी जैन की तरह फ्लैश हो रहा होता है और इसे देखकर साहू समझ जाती है कि अब टेंशन की पावर पहले से काफी हद तक बढ़ गई है, और इसी के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर साहू की पावर भी काफी हद तक इंक्रीज हो रही होती है। दोस्तों जब कोई सोल बीस्ट इंसान बन जाता है तो उसकी पावर इंसान से भी ज्यादा स्पीड से बढ़ पाती है, और अगले सीन में हम देखते हैं कि टेंशन और साहू ने मिलकर सी गॉड आइलैंड के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी साहू को लगता है कि टेंशन सी गॉड आइलैंड पर अकेला ही ना चला जाए। तब टेंशन बताता है, आखिर तुम्हें ये बात याद नहीं रहा होगा कि आखिर बियो साइशी ने क्या बताया था। बियो साइशी ने मुझे बताया था कि तुम 6 लोगों की हेल्प के बिना मैं सी गॉड नहीं बन सकता हूँ। साथ ही टेंशन आगे बताता है, तुम सभी के साथ उसी जगह पर पहुँचना है जहाँ पर हम लोगों को सीओ बाई छोड़ा था, और मुझे पहले स्टार ड्यू ग्रेट फॉरेस्ट जाना होगा, और यदि तुम सभी लोग मेरे साथ पहले स्टार ड्यू ग्रेट फॉरेस्ट तक आओगे तो इसमें काफी हद तक टाइम बर्बाद होगा, इसीलिए आप सभी लोग पहले सी गॉड आइलैंड पर जाओ, तो उसके बाद मैं बहुत ही स्पीड से उड़कर मैं तुम सभी को उसी जगह पर मिलूंगा जहां सीओ बाई हमारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन साहू इस पर नहीं मानती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं श्रेक डेविल्स 2 टीम में बच जाती है। फिर सभी लोग ग्रैंड मास्टर और सुबैंग से विदाई लेने के बाद दोनों ही टीम रात का फायदा उठाते हुए चुपचाप टियांडो कैंप को छोड़ देते हैं, क्योंकि यदि टियांडो आर्मी टेंशन को जाते हुए देखते हैं तो उनका मनोबल टूट जाएगा। दोस्तों सिर्फ टेंशन की वजह से ही टियांडो आर्मी आज तक लड़ाई करते हुए आया है। अगर उनको पता चलेगा कि टेंशन यहाँ से जा चुका है,
हो सकता है उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के एंजल पैलेस पर आ जाता है, जहां पर एंजल स्टैचू के सामने हमें क्वीन रेंक्सू दिखाई देती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं क्वीन रेंक्सू की बॉडी से गोल्डन लाइट निकल रही होती है। तभी हम देखते हैं क्वीन डोलू उसे पूछता है कि क्या तुम तैयार हो, जिस पर क्वीन रेंक्सू कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। ये सुनकर क्वीन डोलू अपनी सोल फॉर्म में आ जाता है और बिना कोई हलचल किए एंजल स्टैचू के सामने चला जाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं क्वीन डोलू की बॉडी से गोल्डन लाइट निकलती है, जो उस स्टैचू के माथे पर भी चमक रही होती है। कुछ टाइम में वह स्टैचू कांपने लगता है, जिसके बाद क्वीन डोलू क्वीन रेंक्सू को पीछे आने का इशारा करता है और काफी तेजी से उस स्टैचू की ओर जाता है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही ये लोग स्टैचू के सामने जाते हैं तो ये लोग एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं। इस जगह पर हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ एक स्टैचू ही होता है। ये सब सीन को देखकर क्वीन रेंक्सू पूछती कि आखिर ये कौन सा दुनिया है। इस पर डोलियो बताता है कि यह ट्रू एंजल सराइन है, ये एंजल गॉड इनहेरिटेंस की लोकेशन है और इसी पर यही पर तुम्हारे 9th ट्रायल पूरा होने वाला है। इस पूरे डोलू कॉन्टिनेंट में कोई नहीं जानता कि कितने सालों पहले गॉड अपीयर हुए थे। ये सुनकर रेंक्सू सोच में पड़ जाती है और आंखों में उस व्यक्ति की चमक होने लगती है जिसने इसे एक बार हराया था, और साथ ही सोचती है कि टेंशन में पहले एंजल गॉड बनूंगी और तुम क्या मुझसे पहले भी काफी पीछे नहीं हो गए हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि रेंक्सू को अभी भी टेंशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसके साथ ही आगे रेंक्सू कहती है एक ना एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगा और अपने रिवेंज को पूरा कर लूंगी। उसके साथ ही हम देखते हैं उसी स्टैचू के पास एक तलवार होता है और जिस पर डोलू कहता है कि अपने ब्लड का यूज करो। ये सुनकर रेंक्सू ऐसा ही करती है, जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वो उस पर हाथ रखती साथ ही अंगूठे से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर रेंक्सू का ब्लड काफी अजीब था, इसकी इंसानों की तरह रेड ब्लड नहीं होता है बल्कि गोल्डन कलर के साथ पिंक कलर में होता है। तभी उसको एहसास होता है कि उसका ब्लड ज्यादा ही निकल रहा है, हद से ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। रेंक्सू अनजाने में ही कांपने लगती है। इसी के साथ हमें उसकी सोल रिंग भी दिखाई देती है, साथ ही उसके सिक्स विंग्स भी फैल जाते हैं। ये देखकर डोलियो भी घबराहट के साथ यह सब देख रहा होता है। ब्लड के कारण वह जेब्रोनिक्स के ब्लड की तरह गोल्डन पिंक कलर में कंडेंस होने लगता है। और ये कहने के साथ ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।